शांति में मारे जाने वालों में पहले अंग्रेज, उनके थोड़े से अंग्रेजी अफसर पर। कारियों का ध्वज है दिल्ली का, और ये खूनी बरगद पेड़ दिखाया गया है। हम मेरठ में हैं, मेरठ में ही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, और ये सारे बैटल्स की लिस्ट यहाँ लगी हुई है। एक और तीसरे हॉल में से है, और बहुत ही सुंदर 3D तरीके से ये झंडों को दीवार पे उकेरा गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, और 1857 का जो महान क्रांति रही है उसके बारे में, और उसके जो महान नायक थे जो उसमें अपना योगदान दे रहे थे उनके बारे में दिखाया, जैसे तात्या टोपे, मंगल पांडे जी, बेगम हज़रत महल, और वो कहते थे वी शाल रिटर्न, और ये उनको फांसी देने का दिखाया गया है, और बहादुर शाह जफर टू, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई, 1857 रिवोल्ट में ये देश के अलग अलग जगहों पे अपने क्रांति दिखा रहे थे, और 1857 से 1860 तक का पूरा जर्नी, 3 साल में जो मेजर इवेंट रहे हैं वो यहाँ लिस्टेड हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू गेट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक दिस। सो 30 मई से स्टार्ट हुआ रिवोल्ट एट लखनऊ, एट अलीगढ़, सो जैसे जैसे ये क्रांति की आग फैली और इसने प्रोग्रेस करके हमें आज़ाद करवाया। और ये है जैसे हॉल जहाँ पे डिटेल में दिखाया है कि दिल्ली में हर जगह के जो क्रांति जो बाहर लिस्टेड हैं उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, कम्प्लीटली एसीड है, बाहर गर्मी है, इसलिए और भी ज़्यादा इसमें मतलब कन्वीनियंस मिल रही है। बारे में एक और हॉल है जो मेजरली फोकस करता है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे विविड कलर्स वाली एक पेंटिंग है जो बिल्कुल रियलिस्टिक है, और इसके कलर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से बाहर आ रहे हैं, और ये है श्री बाबू कुंवर सिंह, उनका कंट्रीब्यूशन भी इन्होंने मेजर किया है इस प्रोसेस में। और ये एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि विद्रोही फिरोज शाह जफर ने बुंदेलखंड पहुँचकर तात्या टोपे के साथ सम्मिलित होने संबंधी टेलीग्राफ के द्वारा माध्यम से सूचना भेजी थी। तो ये टेलीग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे कि यहाँ के लिटरेचर में दिखा रहे हैं कि वो टेलीग्राफ रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइंस को, ये वायर्स को कट कर देते थे सो दैट विद्रोही जो सैनिक थे वो, जिससे कि कम्युनिकेशन आगे ना हो पाए। सो द सिमिलर वे कि आज हमारे अगर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ब्रेक करें इन द सिमिलर फैशन। अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा हो जाने क्रांतिकारी नेतृत्व ने निर्णय लिया। और ये मंगल पांडे जी को दिखाया है जिन्होंने 1857 को रिवोल्ट को स्टार्ट किया, और ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, राजस्थान। अशोक स्तंभ है ऊपर, और ये पिलर है, और वहाँ एक, ये हमारा म्यूज़ियम का बाहर से है, बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम और बहुत अच्छा डिस्प्ले था। और ये एक अमर जवान ज्योति है जो शहीदों को नमन करते हुए बनाया गया है। अच्छा कॉम्प्लेक्स ओवरऑल, काफ़ी सुंदर। और मेरठ का ये हमारा फर्स्ट पॉइंट टू बी सीन था, नाउ वी आर जस्ट गोइंग बैक टू टेक सम रेस्ट बिकॉज इट इज़ रियली वेरी वेरी हॉट आउट। ये सेंट्रल मार्केट में है, और टीयर टू सिटी होने के कारण यहाँ पे चौपाटी और भीड़ दोनों ही देखने लायक है। शॉप में देखिए कैसे भीड़ लगी हुई है।
मज़ेदार होता है, पीपल क्यूट हैं और इतनी सारी शॉप्स हैं, बट ये एक समोसे की दुकान है जहाँ पर लिटरली लोग लड़ रहे हैं कि मैं पहले क्यू में था, सो दैट वे फन। तो अब हम देखते हैं कि उसका समोसा है एक्चुअली कैसा, और वहाँ में बहुत बढ़िया नान खटाई भी मिली, अच्छी थी। मेले में एक और पार्ट देखने मिल रहा है जो कि लाइव प्रोग्राम है। किसी भी टायर टू सिटी में ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। लेट्स सी। अमरनाथ टेम्पल में आए हैं, शिव टेम्पल है कृष्ण जी, काफ़ी बड़ा टेम्पल जैसे सिटी का एक टेम्पल है। अच्छा है, मार्बल का बना हुआ, काफ़ी सुंदर काम है। यहाँ का पार्क है गांधी पार्क, देखो बैक वाटर जैसा दिख रहा है आगे। कैथलिक चर्च, रोमन कैथलिक चर्च, और ये ढूंढ के ले आए हैं हमें सरदाना, जिद करके कि हमें ये चर्च जा रही है, और बिल्कुल देखने लायक ब्यूटीफुल चर्च है, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं। नेम पे तो आम दिख रहे होंगे और मैंगो ट्रीज हैं, बहुत अच्छा सीजन दिख रहे हैं क्या? सीजन भी अभी मैंगोज का है, सब पेड़ों में यहाँ बहुत मैंगोज लगे हुए हैं। ये मेरठ से करीब आधे घंटे की ड्राइव पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। आज मौसम भी हमारे लिए बहुत सपोर्टिव हो गया है, कल तक बहुत तेज़ धूप में हम घूमे हैं, आज बहुत अच्छा मौसम है और हम वाटर पार्क नेक्स्ट जाने वाले हैं। '22 का एक चर्च है, मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने कि यूरोपियन से शादी किया और वो मुस्लिम रिच फैमिली से थी, फिर उन्होंने ये चर्च बनवाया आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड। ये कुछ स्टैचूज हैं जो प्रभु यीशु का जन्म बता रही हैं, ये जैसे कि मंदिर में समर्पण
मंदिर में पाया जाना उनके बैप्टिज्म के बारे में, और ऐसे ही करते हुए ये पूरा स्ट्रक्चर है। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। खेल में डिस्प्ले है और बहुत ही सुंदर चर्च है और बहुत ही बड़ा है, मैसिव। So this we are going back to Delhi. We will try to hop on to a water park.